नमस्कार, रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये प्रैक्टिस सेशन यूपी पुलिस यूपी टीपीएससी के अंतर्गत आने वाले जो सभी भर्तियां हैं, चाहे पैट हो, चाहे वीडियो और कोई भी हो, और एसएससी के थ्रू आने वाली सभी भर्तियां, उन सभी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका समय ना खराब करते हुए आज की क्लास के हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। देखिए प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए कथनों और उनके नीचे दिए गए निष्कर्षों पर विचार कीजिए। हमको कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, दो हमको कथन दिए हुए हैं और दो ही हमको निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो हमको पता लगाना है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष कथन को देखते हुए सही है, ठीक है ना। आइए, हमने पिछली क्लासेस में आपको न्याय निगमन, कथन, निष्कर्ष, इन सभी के अंतर्गत आने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, उन सभी को हमने बताया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं की हो तो उनको भी जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिए। आइए यहाँ समझते हैं। आप देख रहे हो सभी झाड़न चौक हैं और सभी श्यामपट चौक हैं। तो आप देख रहे हो ये कैसा कथन है, पॉजिटिव। और सभी श्यामपट क्या है, चौक हैं, ये भी पॉजिटिव। तो आप यहाँ से देख रहे हो निष्कर्ष फर्स्ट, अगर आप चेक करो कुछ झाड़न श्यामपट हैं, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, और कुछ चौक झाड़न है, ये भी पॉजिटिव है। तो हमने आपको बताया था अगर निष्कर्ष देखना चाह रहे हो आप, कुछ झाड़न श्यामपट है, कुछ झाड़न क्या है, श्यामपट है। तो आप इनको देखो तो झाड़न और श्यामपट उसे कथन में दे रखे हैं, आपको ये देखना है सबसे पहले। तो आप देख रहे हो यहाँ से हो गया ये झाड़न और ये हो गया श्यामपट, तो ये दोनों अलग अलग दोनों ही कथनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। तो आपको क्या है, दोनों को कैसे क्या करना है, जोड़ के देखना है। पहले तो आप ये जानते हो कि इन दोनों को जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता, आपको पहले ये समझ में आना चाहिए। तो हमने बताया था जोड़ने के लिए जो कॉमन होता है उनमें एक के पास क्या होना चाहिए, सौ होना चाहिए। तो आप देख रहे हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट होता है आगे वाला झाड़न, ठीक है ना, और यह ऑब्जेक्ट क्या है, चौक। तो सब्जेक्ट अगर सभी के केस में देखें तो क्या होता है, सौ, और ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा यहाँ से, 50। और सभी के केस में श्यामपट देखें तो ये भी 100, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा, 100, और चौक हो जाएगा 50। तो हमने बताया था जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, जोड़ने के लिए आपको 100 होना चाहिए जो कॉमन पार्ट है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख रहे हो कॉमन पार्ट क्या है हमारा, कॉमन पार्ट आपको यहाँ से चौक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये चौक दिखाई दे रहा है, और यहाँ तो दोनों के पास क्या है, 50-50। तो इस वजह से इसे हम जोड़ नहीं सकते, जब ये जुड़ेगा ही नहीं तो हमारा निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा, तो हमारा फर्स्ट निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, फर्स्ट निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, समझ आया। अगर इसे जोड़ देते, अगर 100 होता तो आपस में जुड़ जाते तो हमारा एक निष्कर्ष निकल जाता। अब आप सेकेंड निष्कर्ष पर देखो, कुछ चौक झाड़न है। अब आप यहाँ से देख रहे हो कुछ के केस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, 50, और झाड़न भी 50, ठीक है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ के केस में हमेशा 50-50 होते हैं। अब आपको देखना है चौक और झाड़न कौन से कथन में दे रखे हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हो जो चौक और झाड़न ये दे रखे हैं आपको फर्स्ट कथन में, ठीक है ना। अब आप यहाँ से देखो तो चौक भी कितना है यहाँ, 50, और झाड़न भी कितना है, 100। तो आप कथन में अगर 100 दे रखा है और निष्कर्ष में 50 पूछा है, 50 दे रखा है, तो आपका ये आंसर निकल सकता है। अगर कथन में 50 हो और निष्कर्ष में आपका 100 हो तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा, क्यों, हम 100 से 50 बना सकते हैं, ठीक है ना, और 50 से हम 100 नहीं बना सकते भाई, 100 रुपये होंगे तो हमको उसे दो बार में भी खर्च कर सकते हैं, कैसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, 50-50 में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 50 को हम 100 नहीं बना सकते। तो इस वजह से हमारा ये सेकंड निष्कर्ष यहाँ से निकल रहा है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये सेकंड कथन हमारा निष्कर्ष जो है ये फर्स्ट कथन के अनुसार सही हो जाएगा हमारा, समझ आया आपको। हमको बस कॉमन पार्ट देखना है दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है ना, कॉमन पार्ट में एक हमारा 100 होना चाहिए, अगर एक हमारा 100 है तो हमारा दोनों कथनों को हम जोड़ सकते हैं, अगर 100 नहीं है जो कॉमन पार्ट हमारा तो हम दोनों कथनों को जोड़ नहीं सकते, इस वजह से हमारा निष्कर्ष फर्स्ट गलत हो गया, हम जोड़ ही नहीं पाएंगे उनको। और सेकंड निष्कर्ष की बात करें तो सेकंड निष्कर्ष में दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 50-50 दे रखे थे, आप देख रहे हो झाड़न और चौक दोनों ही एक फर्स्ट कथन में दे रखे हैं। तो आप यहाँ से आप देख रहे हो 100 दे रखा है और हमको चाहिए 50, आराम से हमारा निष्कर्ष सेकंड निकल रहा है, तो हमारा कौन सा आंसर सही है यहाँ से। अगर यहाँ से देखें निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, नहीं केवल सेकंड निकल रहा है, निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड में सो नहीं निकलता, ये भी गलत हो गया, ये हमारा
निष्कर्ष निकल रहा है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता नहीं, निष्कर्ष फर्स्ट भी नहीं निकलता, तो बचा क्या हमारा ये सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, यही हमारा राइट आंसर। ठीक है ना, समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो सेकंड दे रखा है, उस वह नारी का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अब आप देख रहे हो अमरूद, आलू, सब्जियां, ठीक है ना। तो अमरूद क्या है आपका, एक फल है, अमरूद आपका एक फल है, और आलू और सब्जियां ये क्या है, हमारी सब्जी है। तो आप देख रहे हो सब्जी का तो एक डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये हो गई हमारी सब्जी, सब्जियां बोल दो आप, और सब्जी के अंतर्गत ही आता है हमारा ये आलू, ठीक है ना, आलू हो गया। तो आलू क्या हो गया हमारा, सब्जी भाई, आलू आएगा हमारा सब्जियों के अंतर्गत, तो आलू सब्जियों में आ गया, और हमारा जो अमरूद है वो फल होता है, तो ये अलग आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से कौन सा डायग्राम आप देख रहे हो, कौन सा सही है यहाँ से हमारा, अगर आप ध्यान से देखो तो पहला तो हमारा गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड और ये हमारा फोर्थ भी गलत हो गया। हमारा राइट आंसर यहाँ से क्या निकला, सी ऑप्शन, ये क्या है हमारा राइट आंसर। समझ आया होगा दोस्तों आपको। आगे चलते हैं, निम्न श्रेणी में कौन सा पद गलत है। अगर यहाँ से गलत की पता लगाएं तो आप देख रहे हो यहाँ से ये 24 दे रखी है, ठीक है ना, ये 27 दे रखी है, ये 31, ये 33 और ये 36। अगर यहाँ से गलत का हम पता लगाते हैं तो आप यहाँ से देख रहे हो 24 और 3 27, फिर 27 यहाँ 4 हो रहा है, ठीक है ना, 31 फिर यहाँ, फिर 3 फिर 3, तो आप देख रहे हो यहाँ से तीन तीन के जोड़े हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, तीन 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 सभी में तीन तीन हो रहा, पर इस जगह क्या हो रहा है 4। 27 में अगर हम प्लस 3 करते हैं तो हमको मिलता कितना, इस जगह मिलता हमको 30, कितना मिलता 30, और 30 में फिर प्लस 3 करें 33, 33 में प्लस 3 करें 36, 27 में प्लस 3 करें 30, 24 में प्लस 3 करें 27, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, इस जगह होना चाहिए 30। तो ये यहाँ से अगर आप देखो तुम्हारा कौन सा आंसर राइट निकल रहा है, यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, 31, इसकी जगह क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए, ठीक है ना, हमारा राइट आंसर आया यहाँ से सी ऑप्शन, ठीक है ना, समझ आया। आगे चलते हैं, दिए गए वह नारी से उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। मतलब चिकित्सक भी होने चाहिए और सर्जन भी होने चाहिए, पर क्या क्या नहीं होने चाहिए, सामान्य चिकित्सक नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उसने बोला है क्या क्या होना चाहिए, पहले तो आप देखिए चिकित्सक, तो चिकित्सक तो ही रहे, जो ये फिगर दे रखा है हम उसे बड़ा करते हैं थोड़ा, उसने बोला है कि चिकित्सक भी होने चाहिए, तो ये जो आपका ये जो डायग्राम दे रखा है, सर्किल दे रखा है, ये भी होना चाहिए, और उसने बोला है कि जो सर्जन सर्जन भी हो, सर्जन के लिए बात करें सर्जन का बॉक्स ये हो गया, ठीक है ना सर्किल। अब उसने बोला है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं होने चाहिए, सामान्य चिकित्सक कहाँ है हमारे, ठीक है ना, सामान्य चिकित्सक नहीं होने चाहिए, और सामान्य चिकित्सक का डायग्राम कौन सा है, ये वाला जो हम आपको ब्लू से अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं, ब्लू जो पेन से हमने सर्किल टंगा है वो आपको नहीं हो, पर नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, चिकित्सक होना चाहिए और सर्जन होना चाहिए। आप देख रहे हो चिकित्सक और सर्जन दोनों इस जगह पर, ठीक है ना, तो इन दोनों अगर इस वाले फिगर को हटा दिया जाए, ठीक है ना, तो बचा क्या हमारा ये 25, 5 और 22। अब आप देख रहे हो इन दोनों में भी, दोनों जो डायग्राम दे रखे हैं इनमें भी क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए, सर्जन भी हो और चिकित्सक भी हो, तो यहाँ से हमें कौन सा आंसर मिल रहा है, ये 5, ठीक है ना। तो ये 5 जो होंगे वो हमारे दोनों होंगे, ठीक है ना, 5 जो होंगे वो हमारे चिकित्सक भी होंगे और सर्जन भी होंगे, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या निकल रहा है, राइट आंसर निकल रहा है हमारा ए ऑप्शन, ठीक है ना, समझ आया दोस्तों आपको। उसने बोला है कि उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन भी होने चाहिए, तो सर्जन में देख रहे हो आप ये वाला जो रेड कलर से हमने जो डायग्राम रंगा है 25, 5, 4, 5, ठीक है ना, ये वाला रेड वाला,
और उसने बुलाया सर्जन भी हूँ, सॉरी उसने बुलाया चिकित्सक, चिकित्सक के लिए हमने ग्रीन कलर से रंगा है और सर्जन भी होना चाहिए, सर्जन के लिए हमने रेड कलर से रंगा है। पर लेकिन उसने ये चीज़ और बोली, सामान्य चिकित्सक नहीं हो, सामान्य चिकित्सक के लिए हमने ब्लू रंग से रंगा है। तो आप ब्लू रंग से अगर इसे आउट कर देते हो तो हमारे पास रह जाते 25, 5, 22। अब इन दोनों के लिए भी, इन दोनों में चाहे सर्जन और चिकित्सक देख रहे हैं, अगर केवल सर्जन की बात करें तो केवल सर्जन हो जाएंगे हमारे 25, ठीक है ना, वो पूछता केवल सर्जन 25, और केवल चिकित्सक की बात करें तो ये 22। और चिकित्सक और क्या सर्जन दोनों की बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे 5। समझ आया आपको? आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, ये हमें डायरेक्शन का प्रश्न दे रखा है। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, तो प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? अब आप देख रहे हो, मान लीजिए सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर, सोनिया का जो घर है वो इस जगह पर है, यहाँ से वो चलती है कितना, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है ना, चला दीजिए। तब वह बाएं घूमी, अगर हम इस तरीके से खड़े हैं तो हमारा जो नीचे होगा ये राइट होगा, ऊपर लेफ्ट होगा, ठीक है ना, बाएं के लिए हमें कहाँ जाना होगा, ऊपर की तरफ जाना होगा। तो वह बाएं घूमी और कितना चलती है, 6 किलोमीटर चलती है, चला दीजिए उसे। फिर वह दाएं घूमी, अगर इस जगह खड़े हैं हम, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चलती है, फिर उसे 4 किलोमीटर चला दीजिए, यहाँ से दाया अगर मैं यहाँ से उसे चला दीजिए आप, ठीक है ना, 4 किलोमीटर कहाँ चलेगी वो, दाएं घूमी। अब वो आ गए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है ना, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। अगर यहाँ से हम दूरी चेक कर रहे हैं, दूरी देखते हैं, तो इस पॉइंट से वो चली, ठीक है ना, और कहाँ पहुँच गई वो, इस पॉइंट पर पहुँच गई। यहाँ से अगर हम दूरी चेक करते हैं टोटल, यहाँ से अगर हम दूरी चेक करें, ठीक है ना, ये कितनी है हमारी, ये 6, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी 6, कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है ना। जब ये 6 हो गई और ये क्या है हमारी, ये 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगी, ठीक है ना, इतनी दूरी ये 4 हो गई यहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना, ये वाली दूरी, और ये वो पहले से 4 दे रखी है, ठीक है ना। टोटल अगर देखें यहाँ से यहाँ तक, टोटल हो जाएगी कितनी, 8, 8 ये हो गई, 6 ये हो गई, और ये क्या है, एक हमारा कर्ण बन रहा है, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इस चेक करते हैं तो ये क्या बन रहा है, हमारा एक कर्ण। और कर्ण के लिए निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण अगर निकाला जाता है तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा ये 6, 6 का स्क्वायर प्लस हमारा आधार का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा 8, ठीक है, और इन दोनों का वर्गमूल। तो यहाँ से अगर आप देखो 36 प्लस 8 वा 2 64, ना जोड़ो, आप जोड़ते हो तो क्या आता है, ये बन जाता है हमारा 100, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्या है वर्गमूल। तो यहाँ से अगर कर्ण बराबर देखें तो क्या निकल रहा है हमारा 10, समझ आया आपको, कर्ण बराबर निकल रहा है हमारा 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ से ये ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट है। समझ आया आपको सब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी थी, यहाँ से चला के अगर दूरी पूछता है तो हमेशा बिखंड की तरह तरीके से जाओ, ठीक है ना, न्यूनतम दूरी निकाली जाती है हमेशा, ठीक है ना, कितनी दूरी पर है वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6th क्वेश्चन। कितने पैन कोयला हैं, उसने बोला कितने पैन कोयला है, पैन भी होने चाहिए और कोयला भी होना चाहिए। अब आप यहाँ से देख रहे हो, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, उसने बोला है कितने पैन कोयला है, कोयला का डायग्राम देखो आप, तो कोयला के लिए हम रेड कलर से रंग रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया हमारा कोयला, ठीक है ना, और उसने बोला पेन, तो पेन के लिए हम कोई अलग कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा पेन का बॉक्स, पेन का डायग्राम। उसने बोला है कितने पेन कोयला है, मतलब पेन जो है हमारे कोयला होने चाहिए, पर उसने ये नहीं बोला कि टायर ना हो, ठीक है ना, उसने ये भी नहीं बोला कि टायर नहीं हो वो, आप उसने एक शर्त रख दी कि पेन और कोयला देखनी हमें, और उसने ये नहीं बोला कि टायर नहीं होने चाहिए, तो वो टायर भी आ सकते हैं यहाँ, तो भाई उसने दो चीज़ बोला है और तीसरी चीज़ आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो उसने बोला पेन कोयला, तो आप देख रहे हो सबसे पहले पेन का बॉक्स तो ये ग्रीन में हो गया,
और रेड कलर में आप देखो, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कोयला हो गया, कोयले वाला बॉक्स हो गया। अब पेन और कोयले के लिए देखें, इन दोनों बॉक्सों में चेक कीजिए, पेन ये 8 तो हमारा आएगा नहीं, ये केवल कोयला है, ठीक है ना, और 6 भी नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? अगर अकेले हम 6 को देखें, जो ये 6 दे रखा है, 6 को देखते हैं तो ये केवल पेन ही पेन का बॉक्स है, ठीक है ना। और हमको देखना पेन और कोयला, सबसे पहले तो हमको पेन और कोयला का बॉक्स देखना है। आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आपको जो हम ग्रीन पार्ट रंग के दिखा रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेन और कोयला का बॉक्स हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हो गया, ये ट्रिंगल में भी आ रहा है, और ये आपके जो स्क्वायर बोल दो इसे या वर्ग बोल दो, ठीक है ना, उसमें भी आ रहा है ये, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ से, ये 2 और 4, ये पेन भी हो गए और कोयले भी हो गया, ठीक है ना, कोयला भी हो गया। और उसने ये नहीं बोला है कि टाइम नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से हम इसे 2 को भी यहाँ काउंट कर लेंगे। अगर वो बोलता टायर नहीं होने चाहिए तो हमारा राइट आंसर आता 4, ठीक है ना। और उसने बोला है कि पेन और कोयला होने चाहिए, टायर की उसने मना नहीं किया है, तो हम दोनों को ले लेंगे 4 और 2, तो हमारा राइट आंसर निकला यहाँ से 6। समझ आया कितने पेन और कोयला होंगे हमारे, 6, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या निकला यहाँ से, राइट आंसर निकला हमारा यहाँ से डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन जो दे रखा है उसने बोला है, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो तो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। अब ये फिगर दे रखा है हमको, उसने बोला है ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो यहाँ आकृति आएगी, हमको बस ये देखनी है, ठीक है ना, यहाँ यहाँ क्या आएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ से, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा ये फिगर कैसे बन रहा है। यहाँ एक सर छोटी सर्कल आ रहा है, यहाँ भी सर्कल आ रहा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है। तो आप देख रहे हो जो ये पॉइंट है ना, इस जगह दोनों जगह क्या आ रही है, बिंदी आ रही है, सर्कल आ रहा है, और इस जगह दोनों भी जगह सर्कल आ रहा है। तो इन दोनों जगह सर्कल आ रहा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी सर्कल आना चाहिए। तो जब इन दोनों जगह पर सर्कल आ रहा है तो इस जगह की भी सर्कल आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए इस तरीके से कौन सा फिगर हमारा दे रखा है, ठीक है ना। समझ आया आपको, एक बार और समझा है, एक बार और बताते हैं आपको। देखिए उसने बोला है कि इस बॉक्स की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख रही हो, ये हमारे इस तरीके से फिगर बन रहा है दोनों को मिलाने पर, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, इस तरीके से फिगर बनना चाहिए, और इन दोनों को मिलाने पर इस तरीके से फिगर बनना चाहिए। तो इन दोनों को आप देख रहे हो यहाँ से, इस तरीके से और इस तरीके से देख रहे हो आप, चारों बॉक्सों में ऐसे सेम आकृति होनी चाहिए। अगर हम इस फोर्थ वाले बॉक्स को चेक करें क्वेश्चन मार्क की जगह, तो क्या निकला यहाँ से, एक तो सर्कल ही आएगा और एक सर्कल ही आएगा। तो आप देख रहे हो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में दोनों ही इधर दे रखे हैं, ये हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन में एक इधर दे रखा है और एक इधर दे रखा है, ये भी हमारा गलत हो गया, और ये पार्ट हमारा ऐसे होना चाहिए। तो बी ऑप्शन में तो हमारा ये ऐसे दे नहीं रखा, तो इस वजह से ये गलत हो गया। और डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में इस जगह ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना, ये फिगर पूरा कंप्लीट करने के लिए अंदर का जो सर्कल है ये वाला ऐसे, पर ये इस वजह से गलत हो गया। तो हमारा बचा क्या, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में एक बॉक्स इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या निकल रहा है यहाँ से, राइट आंसर निकल रहा है हमारा सी, ठीक है ना, सी हमारा राइट आंसर निकल रहा है। समझ आया दोस्तों, आगे चलते हैं, ठीक है ना, अपने 8 क्वेश्चन पर। 8 क्वेश्चन दे रखा है उसने, कथन और धारणा दे रखी है, ठीक है ना, कथन और धारणा, कथन और धारणाएं दे रखी है। कथन को अगर हम पढ़ें यहाँ से, कथन को आप पढ़ते हो, एक शिक्षक एक छात्र को कहते हैं, यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आपको सजा दूंगा। अगर मान लीजिए आपका कोई टीचर है, वो आपको कुछ बता रहा है, तो वो जब ही तो बता रहा है कि आप उनकी सुनोगे, भाई टीचर की आप सुनते हो तभी तो टीचर आपसे कुछ बोल रहा है, ठीक है ना, वो इस वजह से ही बोल रहा है। यदि आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आपको सजा दूंगा, और आप नहीं सुनोगे तो वो टीचर जाहिर सी बात है आपको सजा देगा। कथन में जो बात दे रखी है, हमको सिर्फ धारणा में ये देखना है कि कथन की कही हुई बात ही वो धारणा में दे रखी हो तो हमारा राइट हो जाएगा। अगर कथन से अलग है, कथन से मिलती जुलती बात धारणा में नहीं दे रखी हो तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कथन की ही बात धारणा में दे रखी हो तो हमारा
राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हो, चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है, ठीक है ना। उसने बोला है चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है। तो आप बताइए, टीचर बोल रहा है कि टीचर अगर कोई बात बोल रहा है तो वो इस वजह से ही तो बोल रहा होगा कि उसके बच्चे जो उसके जो छात्र हैं उस बात पर अमल करेंगे, ध्यान देंगे, तो वो इस वजह से ही बोल रहा है। तो वो बोला चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान देंगे, तो वो इस वजह से ही बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और ये भी खत्म में दे रखा है एक सच्चा कि छात्र को कहते हैं यदि आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आपको सजा दूंगा। तो चेतावनी के बाद निष्कर्ष में, चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है, ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टीचर इस वजह से बोल रहा है कि बच्चे उसकी बात को सुनेंगे, छात्र उसकी बात को मानेंगे। अब सेकंड की बात देखें, सेकंड जो धारणा दे रखी है, सजा छात्रों को अनुशासित करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब पहले तो आप देख लीजिए कि सबसे अच्छा, अगर किसी को ज़्यादा ही बेस्ट मान लिया जाए निष्कर्ष में तो वो, या धारणा में, तो वो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और उसने बोला सजा छात्रों को अनुशासित, ऐसा कथन में तो कहीं दे नहीं रखा है कि सजा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है अनुशासित करने के लिए छात्रों को, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इतना दे रखा है, मैं अगर आप मेरी बात को नहीं मानोगे टीचर की को मैं आपको सजा दूंगा, ऐसा उसने बोला नहीं, कि सजा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है अनुशासित करने के लिए। तो इस वजह से हमारा ये सेकंड जो धारणा दे रखी है वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख रहे हो केवल केवल कौन सी धारणा हमारी राइट है, यहाँ से फर्स्ट। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या निकलेगा, यहाँ से आंसर अगर देखें ना, तो धारणा फर्स्ट और ना ही सेकेंड, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल धारणा फर्स्ट अंतर निहित है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से राइट निकल रहा है। यही क्या है हमारा राइट आंसर होगा। समझ आया आपको कैसे निकाला हमने, हमें सिर्फ इतना देखना था जो कथन की कही हुई बात है वो धारणा में है कि नहीं। अगर वो धारणा में मिल रही है तो हमारा जो धारणा दे रखी है वो राइट हो जाएगी, नहीं तो हमारी वो धारणा गलत हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9 पर। 40 छात्रों की कक्षा में सौरभ की सीट से 8वीं रैंक है, ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है, ममता की नीचे से रैंक क्या होगी। और उसने बोला है कि ममता की रैंक नीचे से क्या होगी, और उसने स्टार्टिंग से रैंक दे रखी है सौरभ से 5 आगे। तो आप देख रहे हो यहाँ से, तो सौरभ की जो रैंक है सीट से कितनी है, सौरभ मान लीजिए एस, सौरभ स्टार्टिंग से 8वें नंबर पर है, ठीक है ना। और जो ममता है, ममता अगर हम चेक करें, ममता सौरभ से कितना आगे है, 5 आगे है, ममता की रैंक सौरभ से 5 आगे है। 5 आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम देखें ममता की रैंक आ जाएगी 13। कहाँ से आ जाएगी, स्टार्टिंग से, ठीक है ना, ये होगी शुरुआत से। और उसने बोला है ममता की रैंक नीचे से, इसे आगे से भी बोल दीजिए आप या ऊपर से भी बोल दीजिए, ठीक है ना, एक ही बात है। अब उसने बोला नीचे से या लास्ट में से, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो उसने बोला नीचे से रैंक क्या होगी, सबसे पहले आप देख रहे हो टोटल कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल अगर दे रखे हों और दोनों ओर से स्थिति आपको जाननी हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर टोटल आपको पता है और एक तरफ से एक बंदे की, उसी बंदे की स्थिति पता है और उसी बंदे की दूसरी तरफ से आप स्थिति निकाल रहे हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखें तो टोटल हमारे कितने हो गए, टी की जगह टोटल 40, और एक लंग से स्थिति उसकी दे रखी कितनी है 13, एक लंग से हमको निकालनी है और -1। जब इसे हम घटाते हैं राइट से हमको निकालनी है, या आप बोल दीजिए उसे नीचे से, ठीक है ना, एक ही बात है, 13 में से एक गया तो ये प्लस के 12, ठीक है ना। जो ये प्लस के 12 हैं वो इधर आकर, अगर हम जो ये प्लस के 12 हैं अगर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो ये 40 माइनस कितना हो जाएगा 12, और 40 में से जब 12 घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 28। समझ आ रहा है आपको, तो ये कहने के लिएगा जो ममता की रैंक होगी नीचे से वो कितनी आई 28, यही क्या है हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समझ आई कैसे किया हमने, टोटल हमारे पास छात्र दे रखे थे 40, ठीक है ना। उसने बोला था सौरभ की सीट से 8वीं रैंक है, तो सौरभ कितना है 8वीं रैंक है। अब उससे आगे क्या है, ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है, ममता जो है सौरभ से 5 अधिक है, तो ममता की एक तरफ से रैंक होगी 13 और दूसरी तरफ से रैंक उसने पूछा है, तो एक तरफ से रैंक का हमको पता है और टोटल हमको छात्र पता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ये वाला,
टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। इसे बाएं से भी बोल दो या ऊपर से भी बोल दो, राइट से मतलब दाएं से भी बोल दो या नीचे से बोल दो, एक ही बात है। दोनों के लिए ऊपर नीचे बोले या बाएं दाएं बोले, उनके लिए एक ही फॉर्मूला हमारा काम करेगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, या टोटल बराबर बॉटम प्लस टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, ठीक है ना। कुछ भी लगा लो, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अगर इस फॉर्मूले में जाते हैं हम, 40 टोटल हो गए हमारे 40, ठीक है ना। अब एक तरफ से स्थिति 13 हो गई या दूसरी तरफ से निकल पा रहा है वो आर माइनस वन, आप इसे सॉल्व करते हो तो हमारा आंसर क्या निकलता है, 28। एक ही आया हमारा राइट आंसर, समझ आया दोस्तों। आगे चलते हैं, यदि पी का आर प्लस है और क्यू का आर थोड़ा और आर का आर बाहर और एस का आर माइनस है, तो इसको सवाल को हमको हल करना है। उसने बोला है, ध्यान से देखो, पी का अर्थ कितना है, पी का अर्थ तो उसने बोला है प्लस, तो आप देखिए पी कहाँ है हमारी, पी की जगह हमको क्या करना है, प्लस करना है। क्यू का अर्थ गुणा, क्यू की जगह हमको गुणा करना है, क्यू की जगह हो गया हमारा गुणा। तो आर का अर्थ है डिवाइड, जो आर दे रखी है उसका अर्थ क्या है, डिवाइड, ठीक है। और एस का अर्थ है माइनस। अब आप यहाँ से देखिए सभी हमने चिन्ह परिवर्तित कर दिए। अगर यहाँ से देखें तो हमारा ये जो ये हमारा समीकरण बनेगा वो क्या है, 44 गुणा, ठीक है ना, क्या है 9, फिर डिवाइड, फिर क्या है 12, ठीक है ना, फिर माइनस, फिर 6, फिर गुणा, फिर 4, फिर प्लस, फिर 16। जब इसे हल करते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखिए इसे हल करिए तो बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा सभी ने, ठीक है ना। बोर्ड मास का रूल आप सभी ने पढ़ा है। बोर्ड मास की से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट हमको दिया नहीं है तो ऑफ हल करेंगे, ऑफ नहीं हो तो फिर डिवाइड हल करेंगे। तो आप यहाँ से डिवाइड देखें, ठीक है ना, अगर हम इस डिवाइड को चेक करते हैं यहाँ से, तो डिवाइड को हल कर रहे हैं हम, तो ये अब हो जाएगा हमारा 9, जो डिवाइड दे रखा है 12, तो ये 12 हमारी नीचे आ जाएगी इस जगह, ठीक है ना। तो आ जाएगी हमारी ये 12 नीचे आ जाएगी मान लीजिए, ठीक है। जब इसे हम हल करते हैं तो ये 9 और ये 12, ये 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, काट दें, तो ये 3 3 9, 3 6 12, ठीक है ना। आप यहाँ देख रही हो 4 से फिर हम 44 को काट देते हैं, कितनी बार, 11 बार, नीचे तो हमारी संख्या खत्म हो गई, ऊपर क्या बचा, 11 गुणा 3 करते हैं तो ये आता है हमारा 33, ठीक है ना। तो हमारा कितना हल हो गया है यहाँ से, हमारा जो हमने सॉल्व कर लिया वो इस जगह तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब आए आगे माइनस के 6 गुणा अगर हम 4 कर देते हैं तो 24 प्लस के 60। जब इसे हम जोड़ते हैं या ऐड करते हैं तो प्लस प्लस के एक जगह कर लो आप, ऐड कर लो और माइनस उनमें से घटा दो, तो 33 और 16 जोड़े हम तो 6 और 3 हो गए हमारे, इस जगह आपको बताते हैं 9 और 3 और 1 4 49, 49 में से अगर हम 24 बैठा दें तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 5 और ये 2, तो टोटल आ जाएगा हमारा 25। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, समझ आया दोस्तों आपको, कैसे निकाला हमने, हमने बोर्ड मास के हिसाब से इसे सॉल्व किया। सबसे पहले आप ब्रैकेट हल कीजिए, ब्रैकेट अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट नहीं हो तो आप ऑफ देखिए, ऑफ ना हो तो डिवाइड देखिए। तो सबसे पहले हम डिवाइड हल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 9 डिवाइड 12 दे रखा है, तो ये डिवाइड 12 मतलब 9 बट्टे 12। जब इसे हल करते हैं हम, ये 3 से 9 को काट देते हैं 3 बार और ये इसे 12 को 4 बार, तो आप नीचे से ऊपर काट रहे हो 44 को, तो कितनी बार काटोगे, 11 बार, 11 गुणा 3 करते हो तो ये मिलता है हमको 33 में। और इस फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हल करते हैं, एम होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, जब इससे गुणा को करोगे आप, 6 गुणा 4 करते हो तो 24, लास्ट में फिर एडिशन करते हैं या जोड़ते हैं और लास्ट में फिर घटाते हैं, तो हमें दिख रहा है लास्ट में क्या है, ऐड जोड़ना है, प्लस 16 उसमें जोड़ दो, इसे सॉल्व कर लो, एक ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, समझ आया दोस्तों आपको। तो आज की क्लास को हम यहीं रहने देते हैं, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और जो साथी आज हमारे चैनल पर नए आए हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, इससे क्या है हमारे आगे जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा।
ठीक है ना। तो जय हिंद साथियों।